कंगना रनौत, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, ऐसे कई सारे ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक्ट्रेस, इनकी मूवीज नहीं चल रही है क्योंकि इनके आइडियोलॉजीज की वजह से। लेफ्ट हो या फिर राइट हो, आइडियोलॉजी एक ऐसे तलवार बन चुकी है जो कभी भी आपके गर्दन कटवा सकती है। हॉलीवुड में जाओगे तो जो भी आज लोग वोकिज्म को सपोर्ट करते हैं उनको बॉयकॉट किया जा रहा है, और आइडियोलॉजी की वजह से कई सारे बैकलैश, बॉयकॉट और करियर भी खत्म हो जाता है। इसलिए न्यूट्रल या फिर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। काफी लोगों का मानना है कि आज हिंदुत्व की लहराई है यानी सो कॉल्ड राइट विंग, तो जो भी राइट विंग की आइडियोलॉजी रखेगा उसे सपोर्ट ही मिलेगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कंगना रनौत। अब कंगना रनौत को कितना पसंद किया जाता था बहुत पहले। कंगना रनौत हाईएस्ट एक्ट्रेस है, मेरा मतलब हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। कंगना रनौत ने वुमन सेंट्रिक मूवीज करना शुरू किया था इस जनरेशन के लिए, हम कह सकते जो ब्लॉकबस्टर हुई इस जनरेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। पहले स्मिता पाटिल और कई सारे एक्ट्रेस और थी, शबाना आजमी जी, लेकिन बाद में कंगना रनौत फिर भी ठीक ठीक स्टेटमेंट दे देते थे जिससे सब एग्री हो जाते थे। लेकिन बाद में उन्होंने राइट विंग सबके ऊपर टॉन्ट मारना, बाकी एक्ट्रेस को कॉल आउट करना, ऐसी चीजें करने लगे, और फाइनल उनको आखिर ये कहना पड़ा कि उनकी मूवीज नहीं चल रही है और उनको काम देने से भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अब डर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग है वो कंगना रनौत की मूवी ना देखे या फिर वो उनको बॉयकॉट न कर दे कंगना रनौत को लेकर। और यही डर जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते उनके मन में भी है। फॉर एग्जाम्पल स्वरा भास्कर ले लो, अनुराग कश्यप ले लो, लेकिन एट द एंड सभी चीजें यही दिखाती है जब तक आपका कंटेंट बोलता है लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत की मूवी खराब आई है तेजस, जो कि एक मजाक थी, और ऐसी कई सारी मूवीज जो कब आई कब चली गई पता भी नहीं। कंगना रनौत आज फेमस है मूवीज की वजह से नहीं, टैलेंट की वजह से नहीं, उसके कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से, उनके जो स्टेटमेंट थे उनकी वजह से। एक वक्त उनकी मूवीज की वजह से उनको जाना जाता था। क्वीन ले लो, तन्नूवेड्स मन्नु में क्या परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने डबल रोल, तो मैं भी एक्साइटेड रहता था कि कंगना रनौत की अगली मूवी कौन सी होगी। मनी करने का की हाइप मुझे आज भी याद है, मैं एक्साइटेड था कंगना रनौत झांसी की रानी जी के रूप में देखेगी, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ उतरता गया और मुझे लगता है वो अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज में जाती रही जो उनको नहीं करना चाहिए। अब उनको इंदिरा गांधी जो मूवी आ रही है वो चल गई तो एक चांस जरूर मिलेगा। उसके बाद मैं यही चाहूंगा कि वो कॉन्ट्रोवर्सीज कम और मूवीज पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि नो डाउट कंगना रनौत बहुत बेस्ट एक्ट्रेस है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है इंडिया की, और अमेजिंग टैलेंट है उनमें। इसके बाद वही हाल स्वरा भास्कर का है। अब स्वरा भास्कर ने भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग कई सारे स्टेटमेंट दे दे, कई सारे ट्वीट कर दिए, और स्वरा भास्कर भी कोई कम टैलेंटेड नहीं है। उनकी नील बने सन्नाटा मूवी मेरी फेवरेट मूवी है, जरूर चेकआउट करना, नहीं देखी हो तो बहुत ब्रिलियंट मूवी है। उसमें उन्होंने क्या एक्टिंग की है, साथ में प्रेम रत्न दनपायो में सलमान खान कितने सारे स्टार थे, उसके बावजूद वो लाइमलाइट ले गए थे अपने एक्टिंग के दम पर। रांझाना ले लो, लेकिन बाद में उन्होंने ये जो स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया वही कॉन्ट्रोवर्सीज के चक्कर में लोगों ने याद रखने लगे, उनका टैलेंट साइडलाइन हो गया, और ज्यादातर लोगों ने अभी एटी करते यहाँ तक कि वो जिस मूवी में होते वो मूवी तक लोग नहीं देखने जाते, ऑडियंस नहीं देखने जाते, और उन्हें तो ज्यादातर ट्रोल किया जाता है। माना कि उनके अपडेट पहले से बहुत ज्यादा कम हुए, लेकिन स्वरा भास्कर भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि आइडियोलॉजी के चक्कर में पब्लिक ने उनकी मूवीज देखना बंद कर दिया। इसमें है अनुराग कश्यप, ब्रिलियंट डायरेक्टर जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, गैंग ऑफ वासेपुर, देवड़ी कई सारे ब्रिलियंट मूवीज बनाए, और वो भी हमेशा केलो लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ से ही ट्वीट करते थे। लेकिन उनकी एक बात मुझे जो सच में अच्छी लगी कि वो सच में अगर लेफ्ट की तरफ से भी है तो वो ठाम है, जैसे कुछ एक लहर आ चुकी है तो राइट विंग की तरफ है जो कल लेफ्ट विंग की लहर आने के बाद लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, वैसा अनुराग कश्यप का नहीं है। भले उनकी मूवीज ना चले कुछ भी हो, उन्होंने अपने आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी, वो उससे पर स्टैंड है, यानी वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। ये मुझे उनकी बात अच्छी लगी, और यही आइडियोलॉजी का चक्कर है। आप कंटेंट अच्छा बनाओ और उसके बाद अपने आइडियोलॉजी रखो, लेकिन खराब कंटेंट बनाकर लेफ्ट और राइट विंग के सपोर्ट लेकर अगर तुम मूवी चलाने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। माना कि अनुराग कश्यप ने भी बहुत अननेसेसरी ट्वीट किए, यहाँ तक कि मुझे लगता है उन्होंने एक चीज भी कही थी, बहुत सारी चीजें जो नहीं कहनी चाहिए थी। एट द एंड ऑफ द डे ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह सकते हैं लोकतंत्र के देश में, लेकिन उसकी वजह से कई लोग उनकी मूवी बॉयकॉट करने लगे, नहीं देखने लगे, और आज फाइनली उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलना बंद कर दिया है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देने से पीछे। फॉर एग्जांपल जब उन्हें पूछा गया कि ये बजट लाए तो उन्होंने बोला भाई मेरा घर का बजट नहीं पता, देश के बजट की मुझे कुछ बात नहीं करनी, ये स्टैंड वो पहले से रखते तो उनको आज बहुत पसंद किया जाता। नो डाउट उनकी आइडियोलॉजी वो अपने मूवी से दिखाई रहे थे, अगर उसके बेसिस पर कोई हेट कर रहे तो मैं कहूंगा वो गलत है। मूवी में कोई भी अपनी आइडियोलॉजी देश दिखा सकता है, वो उसका विजन है, उसे जो बाकी नहीं, हम उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं ले सकते। ऑफकोर्स कुछ चीजें जिसे ध्यान में रखना होगा, रिलीजन मैं हमेशा कहता हूँ, और उसके बाद विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मकड़ी मूवी इनकी मुझे बहुत पसंद थी, जो काम उन्होंने किया है, कमीने मूवी मेरी फेवरेट मूवी है, लेकिन उसके बाद भी आइडियोलॉजी के चक्कर में या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ एक कुछ उनकी नाराजगी कह लो, जो कोई बहुत बात नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी रहने से वो क्या कम अच्छे
डायरेक्टर है या फिर उनको काम नहीं आता ऐसा नहीं होता, वो उनका अपना स्टैंड है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो फिल्म में जो पहले चीजें ध्यान में रखते थे, कमर्शियल एलिमेंट्स, कमीने ले लो या फिर मकड़ी ले लो, ऐसे कई सारी, वो आर्ट उनका खो चुका है एक्टिविज्म के चक्कर में, ऐसा कह लो फॉर एग्जाम्पल। और ये मत कहना हैदर ले लो या फिर जितने भी अभी खुपी है सब मूवीज आई है, क्या मूवीज थी वो, सिर्फ सब जानते हो और हाइप मूवीज थी जो आइडियोलॉजी के चक्कर में कुछ रिव्यूअर्स ने उसे प्रमोट किया, और यही गलत बात है। आपकी आइडियोलॉजी अगर मैच होती तुम ऐसे मूवी को प्रमोट करते हो जो नहीं अच्छी। हैदर मूवी की चलो सिनेमाटोग्राफी ले लो, लेकिन मैं जनरल ऑडियंस बोल रहा हूँ, वो सिनेमा लवर ने, वो मूवी बोर लगती है। और कमीने ले लो वहाँ पर, वो भी बहुत बढ़िया मूवी है, उसमें भी एक इशू डाला है वो महाराष्ट्र बिहारी का, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर एक्टिविज्म नहीं दिखाया या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको जो लगा ये सोशल इश्यूज पर बात करनी चाहिए वो नहीं की, लेकिन उसे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया कमीने में। मैं कह रहा हूँ वो अभी मिसिंग है वो कमर्शियल एलिमेंट्स। और यही बात थी जो मैंने कहना चाहता था कि आइडियोलॉजी के चक्कर में जो इनको राइव किया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है कि इनके मूवी को हम सपोर्ट करेंगे या फिर इनकी मूवी को मास्टरपीस कहा जाता है, जेन्युइन फीडबैक नहीं जाता, वो वैसे मूवीज बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गदर के डायरेक्टर को तुम लोग ने सपोर्ट किया, पसंद किया, तो वैसे मूवीज बनाएगा कि उन्हें लग रहा है ये चल रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा कि अभी कंटेंट आइडियोलॉजी के बेसिस पर नहीं चलता, कंटेंट चलता है कि वो कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल जो कहना था आपने बात की डायरेक्टर प्रोड्यूसर डरते हैं, वो दोनों तरफ है, राइट और लेफ्ट हो, जो राइट विंग को सपोर्ट करता है उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर को टेंशन ही होगा कि लेफ्ट ऑडियंस मूवीज ना देखे, और जो लेफ्ट सपोर्ट करता है उन्हें टेंशन होगा कि राइट विंग वाले बॉयकॉट ना करते। वो अलग बात है, आप देखोगे जो एक लेफ्ट की तरफ झुकाव लगता है उन्हें काम मिलता रहता है इंडस्ट्री में। हाँ, लेकिन टाइम में जरूर कहूंगा सेंसिटिव हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान खुराना ने पाकिस्तान के लिए गाना गाया था तो वो बॉयकॉट हुए, जो मुझे लगता है नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि हमने कई सारे पाकिस्तान आर्टिस्ट सिंगरों को काम दिया, और जब हमारे इधर जो इंसिडेंट हुए, जवान सैनिकों की मौत हुई, जवान सैनिक शहीद हुए, तब इन कितने पाकिस्तान आर्टिस्ट ने उस एक्ट को कंडेम किया, इसकी वजह से हमें नहीं करना चाहिए था उनके लिए भी, या फिर उन्होंने भारत देश के लिए ऐसा प्यार से गाना गाया हो, या फिर अभी रिसेंटली 12 फेल के विक्रांत में से एक्टर ले लो, उनके लिए पूरा ने ट्वीट आए, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। आप एक इशूज के बारे में बोलो या फिर अपना ओपिनियन रखो, लेकिन कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन या फिर कोई भी गॉड हो, किसी भी रिलीजन या फिर किसी के गॉड को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, जो पहले अगर करते तो हो जाता। फॉर एग्जाम्पल दिल कुमार जी या फिर सुनील दत्त जी, ये पहले इन्होंने पाकिस्तान डे मनाया था भारत में, जिसके ऊपर बाला साहब ठाकरे जी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि यहाँ पर तुम नहीं मना सके, लेकिन उसकी इतनी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई या फिर उसकी वजह से उनकी मूवीज लोगों ने देखना नहीं छोड़ा, यानी उस वक्त चल जाती थी ये चीजें। लेकिन आज देखोगे तो आज लोग मूवी देखना बंद कर देते हैं, तो ये बहुत चेंज आया बड़ा। और मुझे लगता है एक्टिविज्म या फिर किसी आइडियोलॉजी को, किसी सेलिब्रिटी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, और कर रहा है तो मेक श्योर हो कि वो बहुत टैलेंटेड हो, उसका काम बोलता हो और उसके काम के ऊपर उसकी वजह से फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड का ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मार्लन ब्रांडो, नेटिव अमेरिकन या फिर रेड इंडियंस के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता था, मार्लन ब्रांडो ने उठाई और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनके करियर के ऊपर। या फिर तमिलनाडु मेरज ने कंजे ले लो, ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ। और मैं फिर से कहूंगा ज्यादातर सेलिब्रिटीज कोई राइट लेफ्ट विंग नहीं होता, ये सिर्फ अपने मूवी चलाने के लिए ऐसी चीजों को सपोर्ट करते है। लेफ्ट विंग वाले तो चलो मैं मानता हूँ वो अपने आइडियोलॉजी के ऊपर कम रहते है, लेकिन राइट विंग की बात करो तो नो डाउट अगर आज वो इतने सालों बाद सपोर्ट कर रहे तो सिर्फ अपने मूवी चलाने के लिए, और जब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी समझो डर आएगी तो वो उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगी। इसलिए कंटेंट के ऊपर ही मूवी को सपोर्ट करो।